जनपद को जाम की समस्या से निजात दिलाने व स्वच्छता के उद्देश्य से लगातार जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को यातायात तिराहे से रोडवेज तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक विभाग सहित अन्य विभागों की टीमों ने इस अभियान में भाग लिया। वहीं अतिक्रमण किए गए लोगों को चिन्हित स्थान पर स्थापित करने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। अरे उसमें से निकले तो बाहर जा, बाहर आओ, ठीक हो, पीछे को एओपी इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात कर सिटी मजिस्ट्रेट मनोरंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, इस पूरे माह अप्रैल में प्रत्येक दिन यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र में जो नगर क्षेत्र है वहाँ पे चौराहे चिन्हित किए गए हैं और प्रमुख मार्ग चिन्हित किए गए जहाँ पे पूर्व में अतिक्रमण हुए थे, तो उसी के लिए प्रशासन की, पुलिस की, ट्रैफिक की, नगर निगम और जो भी और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक टीम, संयुक्त टीम बनाई गई है और हर दिन एक नए मजिस्ट्रेट नामित किया गया है जो कि इस अतिक्रमण अभियान को लीड करेगा। तो उसी के क्रम में आज यातायात तिराहे से अतिक्रमण अभियान चालू किया गया और जो कि यहाँ रोडवेज चौराहे तक आके यह अभियान खत्म हुआ है। तो क्योंकि इस अभियान के संबंध में पूर्व में ही जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी पटरी व्यवसायी थे या जो भी व्यापार मंडल के लोग थे, सबके साथ वार्ता की जा चुकी है, तो सभी सहमत थे कि जो अतिक्रमण उसको हटवाया जाए और जो हमारी मेन रोड है वो कैरेज वे पूरी तरह खाली रखा जाए। तो उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है और जिन भी लोगों को हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं या जिसको भी यहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है उनके लिए हम लोगों ने स्थल चिन्हित किए हैं, उनको वहाँ पे कारोबार करने के लिए हमने स्थल दिया हुआ है और वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारा प्रमुख मार्ग है वो पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रहे, जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम रूप से चल सके।